हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक आप सभी। अभी फ़िलहाल हम खाना पीना खा लिए हैं, लाइव से निकल के। खाना लाइव भी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद खाना वाना खाए। अभी बज रहे हैं, अभी 2 बज गए हैं, जाएंगे उसके थोड़ी देर के बाद स्कूल बच्चे को लाने के लिए। तो अभी हम काम है, कुछ थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, जामुन। किस किस को खाना है जामुन और किस किस को पसंद है जामुन खाना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाली जामुन हम कल बोले थे अपने हस्बैंड जी को कि हमें खाने का मन कर रहा है, तो वो लेकर के आए मेरे लिए जामुन। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी, एकदम पूरा काला काला और मीठा मीठा है। देखने में ही लग रहा है हम खाए नहीं है अभी, बस धो करके और प्लेट में निकाल के रखे हैं। ये हमारे यहाँ इतनी सा जामुन 50 रुपीज़ का लिया है, और गांव घर में तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाते हैं। बहुत मीठी मीठी जामुन मिलती है गांव में, और यहाँ पे हमारे यहाँ इतना का 50 रुपीज़ लिया है, और ये बहुत ही मीठा है। देखिए कितना ब्लैक और अच्छा है इसका टेस्ट, क्योंकि कल एक बाबू खाया था तो बताया था, कल लाए थे शाम को तो बताया था खा करके कि बहुत मीठी है, अच्छी लगती है। और ये अभी ये जो होती है ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है, मतलब ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इसलिए सीजन पे कहीं भी दिखे ये जामुन तो ले लिया कीजिए, क्योंकि ये खाने में जितनी टेस्टी लगती है उतनी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। भले महंगे मिले लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं ना, तो खाया कीजिए ये वाली जामुन। कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पूरा काला काला जामुन है। देखिए किस किस को खाना है जामुन, वाह, हम खाएंगे अभी। चलिए एक खा के मैं टेस्ट करती हूँ। सच में बहुत मीठी है, अच्छी लग रही है खाने बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी जामुन खाइए, अभी सीजन भी चल रहा है जामुन का। और पहला ये साल में मैं फर्स्ट टाइम खाई हूँ आप लोग के सामने, आप लोग को दिखा के, क्योंकि खाए नहीं थे अभी तक। और जब भी सीजन होती है ना तभी भी जामुन खाना चाहिए, भले महंगे मिले, क्योंकि सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी होती है उसे ज़रूर खरीद के खाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं घर से निकल गई हूँ और अभी बज रहे हैं 5 बजे मैं जा रही हूँ बच्चे को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि वो लोग का कोचिंग क्लास था तो इसके लिए स्कूल 5 बजे तक है। तो मैं जा रही हूँ अभी स्कूल, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, बच्चे को लेके आते हैं तो चलिए अभी जा रहे हैं स्कूल ही हम जा रहे हैं, हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे स्कूल। ये देखिए बच्चे लोग आ गए जीत स्कूल में। देखिए क्या खा रहा है, क्या है दिखा, ये देखिए किस किस को पता है, पता है क्या है, ये क्या है बाबू? पता नहीं, कुद्रुम है ये, कुद्रुम का पत्ता मिल गया इसको, वही खा रहा है ये। चलिए अभी जा रहे हैं हम स्कूल से, अब घर चले के खाना उना देंगे ना जीत। हाँ, भी बहुत भूख लग गया, भूख लग गया, चलो चलते हैं अभी। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए स्कूल से घर आ गए हैं, और जीत लोग कपड़ा चेंज कर लिया, खाना खा रहा है अभी। ये जीत खाना खा रहा है यहाँ पे, ये देखिए जीत क्या खा रहा है, जीत क्या खा रहा है तुम? मैं जामुन खा रहा हूँ, जामुन सेहत के लिए अच्छा होता है इसीलिए। हाँ सेहत के लिए अच्छा होता है जामुन, ठीक है खाओ खाओ। जीत जामुन खा रहा है बैठ करके यहाँ पे, और सोनम भी खा रही है। ये देखिए यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है, आ जाइए, रोटी बना रहे हैं, फुली फुली रोटी खिलाएंगे आप सभी को। ये देखिए मेरा रोटी फुलाने का स्टाइल, किस किस को पसंद है, कौन ऐसा रोटी फुलाते हैं कमेंट करके बताइएगा। सुनीता जी लेके आ गई है गौ माता को रोटी खिलाने। ये देखिए सुनीता जी सब्जी लेने आ गई हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ चुन रही हैं, गाजर शायद ऑलरेडी ले चुकी है, कैरेट ले लिए। हाँ ये देखिए हम सब्जी लेने के लिए आए थे, सब्जी नहीं थी तो हम कैरेट बस लिए, अभी जा रहे हैं सब्जी लेंगे, अभी दूसरी जगह लेंगे जा कर के सब्जी। यहाँ पे सिर्फ भिंडी है और क्या है और सीम है, अभी जाएंगे दूसरी जगह लेंगे। मैं घर आ गई सब्जी वगैरह लेकर के,
और अभी हम जा रहे हैं, कुछ बना रही हूँ मैं, चलिए दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए कुछ बन रहा है मेरे घर पे, मैं बना रही हूँ। आज दूध बची हुई थी तो आज मैं दूध का राबड़ी बन रहा है मेरे घर पे। किस किस को राबड़ी खाने पसंद है कमेंट करके बताइएगा। ये प्योर दूध की राबड़ी बन रही है, ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ी और है बस हो जाएगी, बन जाएगी और 5 मिनट लगेगा फिर बन जाएगा। देखिए मेरा राबड़ी बन गया है, बन के रेडी हो गया, अब इसको बंद कर देंगे। आ जाइए, किस किस को खाना है राबड़ी। ये कितना कलर चेंज हो गया, पूरा राबड़ी जैसा ही बन गया, पूरा एकदम ब्राउन कलर का हो गया, व्हाइट से एकदम ब्राउन हो चुका है। और इसमें इलायची डाल दिए हैं और 1 चम्मच शक्कर डाली हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा होता है दूध। तो बस बन गई राबड़ी, आ जाइए खाने के लिए। अभी बंद कर देंगे, थोड़ी और गाढ़ी होगी तब बंद कर देंगे इसको। ये देखिए हो गई राबड़ी बन के रेडी, सोनम को बहुत पसंद है इसलिए बना रहे हैं आज। फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।